नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त खुशबू। नाजरीन, आज के दौर में फिट रहने का क्रेज़ लोगों में बढ़ चुका है, जिसके लिए वो रेगुलर योगा और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल हेल्दी खाना नहीं खाते। जी हाँ, उनमें से एक मैं भी हूँ। वैसे सच बताऊं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से लोग रोज़ एक्सरसाइज कर लेते हैं, हेल्दी खाना खा लेते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं और जंक फूड को बिल्कुल ही अवॉइड कर लेते हैं। मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये गलत है भाई। मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हैं, पोल्यूशन है, और ख़ास तौर पर हम ख्वातीन को तो अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, और अक्सर हम अपने खाने पीने में ही लापरवाही कर देती हैं। या तो पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगी या तो फिर दिन भर अनहेल्दी खाना खाएंगी। अब ऐसे में क्या करें, क्या डाइट प्लान फॉलो करें? तो एक काम करते हैं, इस बात की जानकारी तो एक डाइटिशियन ही अच्छे से दे सकती हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास और जान लेते हैं उनसे कि किस तरीके की डाइट प्लान फॉलो करने से हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आ चुके हैं प्रियंका जी के पास, जो कि एक डाइटिशियन हैं, जिनसे हम आज जानेंगे डाइट से रिलेटेड कई सवालों के जवाब। तो प्रियंका जी, इस्तकबाल है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम मेनली लेडीज़ के लिए होता है, और हमारी जो घर पर लेडीज़ होती हैं वो दिन भर इतना काम करती हैं कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो ऐसी कौन सी डाइट है, किस तरह की डाइट उन्हें फॉलो करनी चाहिए ताकि उनके अंदर पूरे दिन काम करने की एनर्जी बनी रहे? आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि जो लेडीज़ हैं अपने घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, और जिसकी वजह से उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी होती है। प्लस आपके शरीर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से एनर्जी की कमी हो जाती है, कई बार वेट भी पुट ऑन होता है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है टाइम पे आप अपने मील लो। टाइम पे मील लेने का मतलब है सबसे पहला मील आपका नाश्ता होता है। अगर आप अपना डेली ब्रेकफास्ट टाइम पे ले लोगे, पूरे दिन की मील्स अपने आप मैनेज हो जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है, साथ साथ आपको बैलेंस डाइट का फोकस करना है। मतलब आप अपने डाइट में प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करो। प्रॉपर अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करोगे तो आपको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो पूरे मिलते रहेंगे। साथ साथ पानी का इंटेक पूरा अपना अच्छा रखिए। आप पानी कम पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन फील होती है, वो डिहाइड्रेशन आपको कमजोरी का सिम्टम्स देती है। इसीलिए प्रॉपर बैलेंस डाइट का सबसे अच्छा फंडा यही है, टाइम से खाओ, बैलेंस खाओ। ये तो बात हुई हमारी वर्किंग लेडीज़ की, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी डाइट का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। कई लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा खाती हैं या बिल्कुल भी कम खाती हैं, या उनको मॉर्निंग सिकनेस होता है जिसकी वजह से वो ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप कर देती हैं। तो ऐसे में उनको कौन सी डाइट प्लान फॉलो करनी चाहिए, ऐसा कौन सा खाना खाना चाहिए कि उनकी इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हो सके? देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट हैं आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो लोगों के लिए खाना है। आपको एडिक्वेट खाना है, मतलब आपको इतना खाना है कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाए और आपके शरीर की पूर्ति हो जाए। प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि बच्चा तो किसी तरह प्रॉपर ग्रोथ लेके निकल जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन की कमी होती है वो लेटर ऑन आपके शरीर में बन सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आप बैलेंस डाइट का फोकस करो, सही टाइम पे सही मील खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मॉर्निंग सिकनेस को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस होती है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप छोटे छोटे मील्स लीजिए। छोटे छोटे मील्स लेने से आपका डाइजेशन थोड़ा थोड़ा होता रहेगा और आपको ताकत भी मिलेगी, प्लस बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोटीन। किसी भी तरीके का प्रोटीन हमारे शरीर में आपकी कमी को भी पूरा कर रहा है और बच्चे की भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सो जब भी आप प्रोटीन की बात करते हैं तो आप नेचुरल इंडियन प्रोटीन पे फोकस करो, जो घर में आपकी किचन में अवेलेबल है। दाल, दही, दूध, छाछ, जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं वो एग कंज्यूम कर सकते हैं, चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें आप बैलेंस अमाउंट में लेते रहिए। प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, बच्चा हेल्दी होगा, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, और आपको पूरा 9 महीने जो आपको प्रॉपर अपने आप को जो काटने हैं वो मुश्किल नहीं लगेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। गोल्डी मसाले।
तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरीके से जो घर पर ही जो हमारी चीज़ें हैं हम उनसे ही वो एनर्जी गेन कर सकते हैं और पूरा दिन निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो जो 9 महीने जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो उनको नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात तो रही लेडीज़ की। अब हमने ये भी देखा है कि जो ग्रोइंग जो लड़कियाँ होती है जो 13 से 14 साल की एज ग्रुप में आती हैं उनके अंदर भी बहुत वीकनेस होती है क्योंकि अब जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो बच्चे भी बहुत फेस करते हैं। तो उन्हें ऐसी कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए जो बच्चों के लिए मेनली हो? एक्चुअली में क्या हो गया है कि बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है वो बहुत लंबा हो गया है। बच्चों को बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ता है, फिर उसके बाद उनका लंच ब्रेक, एक ही लंच ब्रेक मिलता है, और जो इवनिंग का या आफ्टरनून का आप टाइम कह लीजिए वो बहुत लेट का है। तो बच्चे आते हैं, बच्चे बहुत थके हुए होते हैं, बच्चों को भूख भी लगी होती है, तो बच्चे प्रॉपर अपना डाइट उस टाइम पर नहीं ले पाते। तो और एक फैक्टर इसमें आता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हो क्योंकि बच्चे इतनी जल्दीबाजी में होते हैं, उनसे खाने का टाइम उनके पास नहीं होता, कुछ भूख भी नहीं लगी होती इतनी सुबह, तो वो उनका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको चाय नहीं पीनी है, बच्चों को चाय पिला के मत भेजिए। चाय पीने की वजह से बच्चों का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, बच्चों के शरीर में प्रॉपर एनर्जी नहीं लगती। आप लोग सोचते ज़रूर हैं कि बच्चा एक्टिव फील करेगा, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, बट वो चाय का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए नहीं होता। उससे बेटर है कि आप दूध पिला के उनको भेज दीजिए, कम से कम पूरा प्रोटीन आपको मिलेगा, कैल्शियम आपको मिलेगा, एक बैलेंस मील आपको मिल जाएगा। सो मील सबसे अच्छा है टाइम पर देने के लिए कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर दें, और जब भी बच्चों को कुछ आप टिफ़िन में दे रहे हो तो वो भी बहुत हेल्दी स्नैक होना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स कई बार देखा है मैंने कुछ भी दे देते हैं, जो कि बाहर से मिला केक का पैकेट दे दिया, बिस्किट्स दे दिए, कुकीज़ दे दिए, ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं होती। इससे अच्छा है आप एक पराठा बना के दे दीजिए, बच्चा एटलीस्ट कुछ अनाज खाएगा, प्रोटीन मिलेगा, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ जब बच्चा घर पर रहता है तब आपको टाइमली उनको मील देना है, तब आप प्रॉपर मील उनको दीजिए जिससे उनका न्यूट्रिशन पूरा हो सके, और जो बाकी का दिन बचा होता है उसमें आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट को कवर अप करने के लिए सैलड्स, किसी भी तरीके के सैलड नहीं अगर सैलड खाते हैं तो वेजिटेबल्स खिलाइए, सीजनल वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है, प्लस फ्रूट्स। ये सारा कंजम्पशन आप रेस्ट ऑफ द डे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्कूल अलाउ करते हैं फ्रूट्स को एज अ स्नैक एक मील में, तो अगर अलाउ करते हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद टिप्स है जो जो इतना कॉम्पिटिटिव मैंने बताया कि आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो उसमें उन्हें अपना मील जो है स्किप नहीं करना है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे अब चाहे बच्चे ले लीजिए चाहे बड़े लोग ले लीजिए, वेट लॉस करने का जो क्रेज़ है वो बहुत लोगों में बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से वो कई बार क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और प्रोटीन शेक को पीना शुरू कर देते हैं। तो ये उस वेट लॉस के लिए हेल्दी डाइट प्लान क्या है, और अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो उसकी जगह प्रोटीन शेक पीना लाजमी है कि नहीं? देखिए, एक बात आपको बहुत ज़रूरी है समझना, कम खाने से या भूखा रहने से किसी का वेट लॉस नहीं होता। जी, अगर ऐसा हो सकता तो बहुत आसान हो जाता सब चीज़ों का, लेकिन आपको सही चीज़ें खानी हैं, टाइम पे मील लेना ही सबसे बड़ा आपका की रूल है। और उसमें अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो एट सम पॉइंट आप वेट लॉस कर भी लेते हो, बट ओवर द टाइम अगर आप कॉन्स्टेंटली वही चीज़ बार बार करते जा रहे हो तो आपका वेट स्टक हो जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत डाउन हो जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बचेंगी और कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसा सब करके आप वेट लॉस कर भी रहे हो तो वो फैट लॉस नहीं हो रहा है, वो आपका मसल लॉस हो रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करो। कभी कभी अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो ड्यू टू एनी रीजंस, तो उनका कॉम्पनसेशन लंच में ज़रूर होना चाहिए कि आप लंच में प्रोटीन रिच डाइट लो। तो हर मील में प्रोटीन लेना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्लस लिक्विड पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल हम एसी में बैठे रहते हैं सारा दिन, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें प्यास लग रही है, क्योंकि पसीना नहीं आता तो गर्मी नहीं लगती, और अगर गर्मी नहीं लगती तो हम पानी नहीं पीते। लेकिन पानी पीना आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत नहीं है। जी, मतलब कहने का ये कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट आपके इंटरनल सिस्टम के लिए है, आपके सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको प्यास नहीं लग रही तो ज़रूरत नहीं है। आप पानी पीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और इसके साथ साथ सबसे सिंपल फंडा सैलड और फ्रूट्स ज़रूर लीजिए। कम से कम दिन का एक प्लेट सैलड और दिन का एक प्लेट फ्रूट अगर आप डेली ले लेते हो, किसी भी हाल में आपका वेट बढ़ने वाला नहीं है, आप अपना वेट भी मेंटेन करोगे, आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, आपके न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी, किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो बेटर है आप हेल्दी खाओ,
और उससे आप अपना वेट लॉस करो। जिस हम बात करें वेट लॉस की, अगर अब वेट लॉस की बात हो रही है तो कुछ लोगों में ऐसा है कि वो वेट गेन भी करना चाहते हैं और इस चक्कर में वो लोग फैटी जो खाना होता है, तला हुआ खाना होता है, उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए क्या डाइट प्लान है और अगर उनका फैटी जो तला हुआ खाना है उसको खाना सही है कि नहीं है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो बहुत फैटी खाना शुरू कर देते हैं। सिंपल सा फैक्टर है, अगर वेट कम करना है तो भूखे रह के नहीं होगा और अगर वेट गेन करना है तो ज़्यादा खा के नहीं होगा। सही चीज़ खाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिनका वेट गेन नहीं हो पा रहा होता उनके शरीर के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। मतलब आप खा तो रहे हैं लेकिन आपके शरीर में प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। वो एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब आप अपने मेटाबॉलिक रेट पे ध्यान देते हो। दैट मीन्स आप टाइमिंगली मील लो और छोटे छोटे पोर्शंस लो। छोटे छोटे पोर्शंस लेने से बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छे से होगा, आपका वेट धीरे धीरे बूस्ट ज़रूर होगा। और इसके अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा तला हुआ या बहुत ज़्यादा मैदा की चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं वो भी आपको नहीं करना चाहिए। प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जियाँ सिर्फ पतले होने के लिए नहीं होती, वेट गेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप बैलेंस डाइट पे फोकस करो, छोटे छोटे मील्स पे फोकस करो। इसमें एक और फैक्टर आता है, वो है डाइजेशन इश्यूज़। जिन लोगों को ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं उन लोगों को हमेशा वेट गेन करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचुरल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करो। दही छाछ ये बहुत ज़रूरी हैं, आजकल के बच्चे बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहते। इनफैक्ट एडल्ट्स में भी मैंने देखा है आप हफ्ता हफ्ता तक कर्ड बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हो, उससे आपके बॉडी में नेचुरल प्रोबायोटिक्स नहीं बनते, नेचुरल बैक्टीरियाज नहीं बनते, जिसकी वजह से डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ऐसे में वेट गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बैलेंस डाइट लो, हेल्दी डाइट लो और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखो, डेफिनेटली वेट गेन होगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं वेट लॉस और वेट गेन की, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स हैं कि जो जिसे आप बोलते थे शॉर्टकट है कि आप वेट लॉस पिल्स ले लीजिए, वेट गेन पिल्स ले लीजिए, तो ये किस हद तक सही है, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए? देखिए, कोई भी चीज़ अगर फूड के फॉर्म में आ रही है और कोई भी चीज़ अगर एक टैबलेट के फॉर्म में आ रही है, आप खुद सोचिए क्या ज़्यादा बेटर है। अगर आप करना भी चाहें शॉर्टकट तो वो कितने टाइम तक कर पाओगे? आपने एक महीना, दो महीना, चलिए छः महीना आपने टैबलेट लिया, वेट लॉस किया, बट उसके बाद जब आप टैबलेट्स को या किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स को स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, वापस अपने नॉर्मल डाइट पे आते हो, तो उतनी ही तेज़ी से आपका वेट वापस बाउंस बैक होता है। वो वेट जो बाउंस बैक होता है तो वो मेडिकल इश्यूज ज़्यादा साथ लेकर आता है। दैट मीन्स अगर आपका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना शुरू हो गया तो आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपकी किडनीज पे इफेक्ट आ सकता है, आपके हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सो आपको नेचुरली वेट लॉस करने पे फोकस कर रहे हैं रादर देन दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर थोड़े थोड़ा करके भी आप अपना वेट लॉस करते हो तो बॉडी पे इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे ही आएगा, लेकिन अगर आप पिल्स लेते हो तो वो एकदम से आपके मसल लॉस को प्रमोट करता है। एंड कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके जो कुछ ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके हंगर को ख़त्म कर देते हैं। टेक्निकली आप जब सप्लीमेंट्स लगातार लेते चले जाते हो तो आपको भूखी लगनी बंद हो जाती है, जब भूख लगनी बंद हो जाएगी तो आप खाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं तो वेट लॉस से हो ही जाएगा। ये फंडा कितने दिन तक प्रैक्टिकल है ये आप खुद समझ सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये काम। एट वन पॉइंट आपको नॉर्मल खाना खाना ही पड़ेगा और अगर आप कर भी लोगे तो वो चीज़ें मेडिकल इश्यूज से आपको ज़्यादा बैड इफेक्ट दे देगी। सो बेटर है आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस करो। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी कि किस तरीके से घर पर घर की सारी चीज़ों से हम हेल्दी डाइट और स्ट्रिक्ट डाइट जो हम चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं।